हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट। सो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें पूछा हुआ है कि किसी भी बॉडी में सेंटर ऑफ मास किस पॉइंट को डिफाइन करेंगे। सो ऑप्शन ए गिवन है, विच इज ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ अ बॉडी। सो ऐसा जरूरी नहीं है, ये ज्योमेट्रिक सेंटर पर ही हो सेंटर ऑफ मास, ऐसा सिर्फ किसके लिए होगा, फॉर द केस ऑफ रेगुलर बॉडीज। ठीक, फॉर एग्जाम्पल वी आर टेकिंग अ सॉलिड स्फीयर और द एग्जाम्पल ऑफ अ स्क्वायर। सॉलिड स्फीयर में सेंटर पर होगा सेंटर ऑफ मास, स्क्वायर में डायगोनल्स के इंटरसेक्शन पर होगा, रिंग में सेंटर पर होगा, देन ट्राइंगल में उसके सेंट्रॉइड पर होगा। बट अगर हम बात करें एक हैवी बॉडी एंड दूसरी लाइट बॉडी हो, फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल। सो इस केस में हम देख सकते हैं कि जो कार्बन एटम है वो कैसा है, लाइट, एंड ऑक्सीजन एटम इज हैवी। सो यहाँ पर जो सेंटर ऑफ मास होगा वो मिड पॉइंट पर लाए ना करके ऑक्सीजन के क्लोज लाए करेगा। सो बिकॉज सेंटर ऑफ मास डिवाइड्स द मासेस इन द इनवर्स रेशियो ऑफ देयर डिस्टेंसेस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, तो फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट है। सेकेंड ऑप्शन बताया, फ्रॉम विच डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल्स आर सेम। सो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड केस में हमने ये देख लिया है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ मास से पार्टिकल्स के डिस्टेंसेस सेम हो, सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। थर्ड इज वेयर द होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। सो दिस इज द करेक्ट वन, क्योंकि इसको हम क्यों एज्यूम करते हैं कि इस तरह से एक मास, एक सेंटर, एक पॉइंट बॉडी में एग्जिस्ट करता है, बिकॉज टू ओबे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन के जो तीन लॉज हैं विच आर कॉल्ड एज लॉज ऑफ मोशन, सो वेयर टू अप्लाई द एक्सटर्नल फोर्स। हम बॉडी में मान लेते हैं कि सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है जहां बॉडी का कंप्लीट मास कॉन्सेंट्रेट करेगा। देन फोर्थ, विच इज द ओरिजिन ऑफ रेफरेंस फ्रेम। सो ओरिजिन को तो हम ट्रांसफर भी कर सकते हैं, सो ऐसा जरूरी नहीं है, बिकॉज ये लोकेशन ऑफ ओरिजिन पर डिपेंड नहीं करता, ओरिजिन पर डिपेंड नहीं करता। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थ्री। Thank you.